झालावाड़ के गर्ल्स हॉस्टल में उस समय कोहराम मच गया जब एक युवक हॉस्टल के अंदर घुसकर धनाधन फायरिंग करने लगा और एक लड़की को बंधक बना लिया। ये भी है खबर। गर्ल्स हॉस्टल में गोली कांड, हॉस्टल में घुसा सिरफिरा आशिक, ये सनसनीखेज नजारा है राजस्थान के झालावाड़ के गर्ल्स हॉस्टल का। आप देख सकते हैं कि हॉस्टल में घुसा इस लड़के के हाथ में पिस्तौल है। लाल बहादुर नाम का ये लड़का बार बार इसे हवा में लहराता है। लाल बहादुर ने हॉस्टल के कमरे में एक लड़की को बंधक भी बना रखा है। यही नहीं, वो किसी के पास आने पर गोली मारने की धमकी भी दे रहा है। पुलिस लड़की को समझाने की कोशिश में जुटी है लेकिन लाल बहादुर के सिर पर खून सवार है। पूरे हॉस्टल को पुलिस ने घेर रखा है। चारों तरफ से घिरा लाल बहादुर पुलिस के कब्जे में आने को तैयार नहीं। कई घंटों तक चली जद्दोजहद के बाद जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। लाल बहादुर नाम के शख्स ने खुद को गोली मार ली। गंभीर हालत में लाल बहादुर को लेकर पुलिस हॉस्टल से निकली। इसे जल्दी से झालावाड़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन काफी देर हो चुकी थी। लाल बहादुर ने दम तोड़ दिया। क्या चाहता था लाल बहादुर? क्यों घुसा था वो गर्ल्स हॉस्टल में? क्यों उसने खुद को गोली मारी? दरअसल धौलपुर का रहने वाला लाल बहादुर अपनी प्रेमिका का पीछा करते हुए यहां तक आया था। दिन के करीब 11 बजे वो फायरिंग करता हुआ हॉस्टल में घुसा तो यहां कोहराम मच गया। लाल बहादुर की प्रेमिका ने किसी तरह अपनी जान बचा ली तब इसने एक दूसरी लड़की को बंधक बना लिया। बाद में इसकी प्रेमिका ने इसे काफी समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माना। पुलिस का घेरा बढ़ता देख लाल बहादुर ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। उसने खुद को गोली मार दी। इस समय राजस्थान के झालावाड़ से तरुण शर्मा।